मन, कैसे हैं आप? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे चैनल टारगेट विद स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक विशेष चैप्टर के बारे में, जिसका क्वेश्चन हर एक को पेपर में आता है, चाहे वो कोई भी पेपर हो। चाहे आप बात कर लीजिए रेलवे रीजनिंग, रेलवे, सीपीयू, एसएससी, बैंक, इसका क्वेश्चन जो है हर एक क्वेश्चन, अब ज्यादा नहीं आता पर एक आता है, मगर बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत इजीली है, बस थोड़ा सा लॉजिक है आपको लगाना पड़ेगा। मैं बताऊंगा वो लॉजिक कैसे लगाना है, बस तरीका होना चाहिए, तुरंत हो जाएगा, 1 सेकंड भी नहीं लगती। इस जो रीजनिंग का ये चैप्टर है बहुत ही इजी है और आप तुरंत कर लेंगे इसको। अगर आपने दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए हम बात करते हैं। अब हम वेन आरेख, जो एक टॉपिक है रीजनिंग का, विशेष टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ, विशेष टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है वेन आरेख। इसमें से संबंधित क्वेश्चन में देखिए, मैं रखा लिखा हूं 1 2 3 4, नॉट 9 क्वेश्चन है, और जो 9 क्वेश्चन के लिए मैंने चार, सभी के लिए चार ऑप्शन रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, ये चार, ये 9 क्वेश्चन के लिए मैंने चार ऑप्शन रखे। अब कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है मैं पूरे तरीके से बताता हूं। अब वीडियो पूरी देखिएगा, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी, ये मेरा वादा है। अब वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही यूजफुल है आपके लिए, ध्यान रखिएगा, फिर मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। लिखा हुआ है पेंटर स्कॉलर टेबल, क्या लिखा हुआ है? पेंटर स्कॉलर टेबल। देखिए, पेंटर और स्कॉलर का कोई संबंध टेबल से, या फिर स्कॉलर और टेबल का संबंध कोई पेंटर से, आपको नजर आ रहा है? बताइए, पेंटर स्कॉलर टेबल लिखा हुआ है। अगर आपको पेंटर का संबंध स्कॉलर से, स्कॉलर का संबंध टेबल से है, बिल्कुल नहीं है, तो आप देखिए तीनों अलग अलग पार्टिकल हैं, अलग अलग पार्टिकल, पेंटर भी अलग है, स्कॉलर भी अलग है, टेबल भी अलग है, ये तीनों अलग ही हैं। तो हम क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है जिसमें जो सर्कल है वो तीनों अलग अलग है? हाँ बिल्कुल, ये सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कैसे? मैंने बताया इन तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये सर्कल अलग अलग है। तो बात करते हैं ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं, मैं 3 नंबर तक बताऊंगा, फिर इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने के बाद मैं सोल्यूशन जरूर बताता हूं। रंग लाल पीला, रंग लाल पीला, आप देख रहे हैं रंग लाल पीला, तो यहां सरल क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन, नहीं रंग का संबंध लाल पीला है, बिल्कुल जो रंग है वो लाल पीला है, लाल और पीला क्या है? रंग है। लाल पीला कोई संबंध? बिल्कुल नहीं संबंध, लाल और पीला का कोई संबंध है, मगर रंग का संबंध दोनों से है, तो क्या लाल भी एक रंग है, पीला भी एक रंग है? तो हम एक सर्कल के अंदर दो चीजें हो सकती हैं, इसी तरह ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा? एक, क्योंकि क्यों होगा? मैं बताया आपको, रंग एक इन दोनों से संबंधित है, लाल से भी संबंधित है, पीला से संबंधित, इसीलिए ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपने अगर पूरे वीडियो देख लिया तो, एक नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, बस यही सीढ़ी है, एक एक नंबर लेके आप सीधे 90 90 नंबर अबव हो जाएगा आपका। रेलवे की बात करूं मैं, खास आपको करंट का टॉपिक है रेलवे, सब कोई एकदम जी और जान से लगा है रेलवे के लिए, अगर आपने एक एक नंबर को नहीं पकड़ा तो आपके लिए मुश्किल पड़ जाएगी रेलवे, फिर मत बोलिएगा मेरे से। फिर तीसरा चंद्रमा, तीसरा लिखा चंद्रमा मंगल ग्रह, चंद्रमा का संबंध मंगल से कोई संबंध नहीं, मंगल का संबंध ग्रह से बिल्कुल संबंध है, मंगल एक ग्रह है, चंद्रमा का संबंध मंगल, सॉरी ग्रह से कोई संबंध नहीं, ग्रह एक मंगल है, सॉरी ग्रह मंगल एक ग्रह है, उसी तरह चंद्रमा उपग्रह है, उपग्रह है ना, पृथ्वी जो हमारे पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। तो ऐसा कोई डायग्राम वेन आरेख संबंध आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर तीसरे का। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फोर, हम मान लेते ग्रह, ग्रह के अंदर मंगल और अलग से जो दिया चंद्रमा, क्योंकि
मंगल और चंद्रमा का कोई, मंगल और ग्रह का संबंध चंद्रमा से नहीं है, इसीलिए हम उसको अलग से दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर चार। फिर बात करते हैं ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर चार की, जो लिखा है भारत भोपाल मध्य प्रदेश। क्या लिखा है? भारत भोपाल मध्य प्रदेश। अगर हम ऐसी बात करें इसमें दोस्तों, देखिए भारत भोपाल, भारत के अंदर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल, मतलब तीनों किसी ना किसी से रिलेशन में है, संबंध व्यक्त करते हैं। इसी तरह ऑप्शन क्या हो जाएगा अगर हम मानते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, तो इसमें भोपाल मध्य प्रदेश भारत, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा थर्ड। अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर फाइव, जल्दी से करके। खनिज तामा लकड़ी, खनिज तामा लकड़ी, तुरंत करिए, दो सेकंड लगना चाहिए। खनिज तामा लकड़ी, बिल्कुल सही जवाब, आपने बहुत अच्छा सवाल दिया। इसमें से देख सकते हैं आप कि कौन सा ऑप्शन हो रहा है, आपने इतना अच्छा जवाब दिया ऑप्शन नंबर चार। क्या ऑप्शन नंबर चार? कैसे ऑप्शन नंबर आपने चार सही दिया? देखिए खनिज तामा, तामा एक खनिज है, क्या लकड़ी एक खनिज है? नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा? खनिज तामा एक रिलेशन संबंध है मगर लकड़ी का कोई संबंध नहीं है, तो तामा खनिज के अंदर हो सकता है, खनिज है ना, इसीलिए खनिज के अंदर हो सकता है, लकड़ी नहीं है, तो लकड़ी को हम अलग दिखाते, इसीलिए ऑप्शन नंबर चार सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स, फल आम घास, फल आम घास, फल का संबंध आम से है और घास का संबंध आम से और फल से दोनों से नहीं है, तो आम और फल एक साथ हो सकते हैं मगर घास अलग ही होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर चार इसका भी। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की, जो दिया हुआ शरीर हाथ अंगुली, क्या दिया हुआ है? शरीर हाथ अंगुली, तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें बात करते हैं कौन सा ऑप्शन है, जल्दी से बता दीजिए आप। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूं। शरीर हाथ उंगली, देखिए शरीर हमारा पे पूरा एक शरीर है, उसके अंदर हाथ है, हाथ के अंदर उंगली है, तो क्या हो सकता है? एक शरीर, एक बड़ा सा सर्कल, फिर उसके अंदर हमारा हाथ, उसके अंदर छोटा सा सर्कल, फिर उंगली के अंदर हाथ के अंदर एक छोटा सर्कल, तो ऑप्शन नंबर तीन। ये थोड़ा सा टफ था मगर आसानी से आप किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर आठ, माता पिता पुत्र, क्या संबंध है चारों में, सॉरी तीनों में? माता पिता पुत्र, माता का संबंध पिता से, पिता का संबंध पुत्र से, कोई संबंध नहीं बता रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा। जो अलग अलग, जो कोई एक दूसरे से संबंध नहीं बताते तो उसको हम अलग अलग सर्कल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, या हम कहें कि अलग अलग वेन आरेखों के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। हॉकी खेल क्रिकेट, क्या है? हॉकी खेल क्रिकेट, हॉकी भी एक खेल है, क्रिकेट भी एक खेल है, क्या है? हॉकी भी एक खेल है और क्रिकेट भी एक खेल है, तो हम लिख सकते हैं कि हॉकी के अंदर क्रिकेट भी, सॉरी क्रिकेट खेल के अंदर हॉकी भी हो क्रिकेट भी हो, तो ऑप्शन नंबर एक बताता है कि ये पूरा खेल है, उसके अंदर ये हॉकी है, इसके अंदर ये क्रिकेट है, तो ऑप्शन नंबर एक इज द करेक्ट आंसर। अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, क्या है? यूजफुल, तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, क्या करिएगा? लाइक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अभी मैं रेलवे संबंधित पूरी वीडियो डालूंगा, हर एक चैप्टर की, चाहे वो अगला जो चैप्टर होगा मेरा, खास कर बता दूं ब्लड रिलेशन के बारे में, रक्त संबंध जो मेरा चैप्टर होगा अगला, इसमें लड़कों बनता तो देखिए सब है, बच्चों से सब कर लेते हैं मगर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, इस कारण से नहीं कर पाते। अगला चैप्टर मेरा क्या रहेगा? ब्लड रिलेशन, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक वीडियो के लिए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, घंटा जरूर दबा दीजिएगा, इसीलिए बोलता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन